नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस ग्रुप के जो अन्य स्टॉक्स है उसके बारे में। रिलायंस ग्रुप के बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स है जो आगे चल के आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के ग्रुप के 5 अन्य शेयर के बारे में, या कहें 5 पैनी शेयर के बारे में, जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अभी आपको मिल रहा है, जो आगे चल करके आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो इन 5 शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 5 में कॉम्पेरिजन करेंगे, कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से शेयर आगे चल करके आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आइए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो ये सारे वीडियोज देखिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसे जाकर के देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला शेयर है रिलायंस ग्रुप का, जो पैनी शेयर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। दोस्तों, रिलायंस ग्रुप में रिलायंस का जो शेयर है उसके बाद उसका जो दूसरा सबसे बेहतरीन शेयर है वो है नेटवर्क 18 मीडिया और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। देख सकते हैं, कभी ये शेयर हमारा 400 से भी एवर प्राइस का हुआ करता था, तो अभी आपको ये शेयर जो है मात्र 25 रुपीज में उपलब्ध है। और देख सकते हैं, 511 तक का यह हाई बना चुका है जो अपने जो 2008 के समय में, और 2008 का जो क्राइसिस आया था, तो 2008 के क्राइसिस के बाद ये शेयर कभी फिर से संभल नहीं सका, मतलब फिर से कभी जो अपने हायर लेवल जो था प्राइस का वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और अभी देख सकते हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्री इसको टेक ओवर कर चुका है और ये शेयर अभी आपको मात्र 25 रुपीज़ में उपलब्ध है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके पी रेशियो को देख लीजिए, पी रेशियो यहाँ पर नहीं है। चलिए हम आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ले जाते हैं, फिर दिखाएंगे। और देखते हैं, इस साल का जो ये अपना 52 वीक हाई बना है वो 33 रुपीज़ 75 पैसा। तो इस तरह से आप देखते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। अगर इस साल की भी बात करें तो इसके प्राइस के बेसिस पर तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखें तो 1 ईयर का चार्ट कुछ इस तरह से रहा है। ये जो हमारा देखते हैं 15 रुपीज़ का लो बना चुका है ये, या कह 14 रुपीज़ 70 पैसा का, मतलब 14 रुपीज़ 70 पैसा का ये लो बना चुका है इस साल। तो आप जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन होता है तो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब भी इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में भी SIP मोड में इन्वेस्ट करें। आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, जैसे करेक्शन आता है फिर और करेक्शन आता है तो और अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसको आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ले जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके फाइनेंशियल को और इसका जो वैल्यूएशन है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यह देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इसके फाइनेंशियल पर। देखते हैं इसका कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट कैसा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी का सेल्स है वो लगातार इंक्रीज़ किया है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन पिछले क्वार्टर के तुलना में ये फ्लैट रहा है, दिसंबर क्वार्टर के तुलना में जो मार्च 20 का क्वार्टर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब मार्च 2019 का जो क्वार्टर उसके बेसिस में ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, देख सकते हैं नेट सेल्स। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में बहुत ही डिक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट में, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का है तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मार्च 19 के क्वार्टर में जो था हमारा जो इसका प्रॉफिट था वो निगेटिव था, मतलब लॉस हुआ था कंपनी को, वहीं इस बार ये प्रॉफिट कर रहा है। मतलब जब से रिलायंस इसमें टेक ओवर किया है, देख सकते हैं कि लगातार 2 क्वार्टर से ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट मेक कर रहा है, वहीं पहले कंपनियां क्या थी, लॉस में थी। तो समझ सकते हैं जैसे रिलायंस का इसमें, मतलब मुकेश अंबानी का इस पे हाथ पड़ा है, तब से ये जो स्टॉक से बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूएशन जो है कंपनी का, अभी जो पी रेशियो है इसका डिटरमाइन नहीं है। पी रेशियो जैसे आप निकाल सकते हैं, जो प्राइस है उसमें इसके अर्निंग से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइस में अर्निंग से डिवाइड कर सकते हैं, पी रेशियो निकल जाएगा। वहीं इंडस्ट्री का पी का है तो 23 के आसपास है, देखते हैं 23.89, मतलब 24 कह दें कि पी रेशियो है हमारा इंडस्ट्री का। वहीं बुक वैल्यू 11.22 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.22 का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी बहुत ही हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो हमारा है वो जितना कम रहे उतना अच्छा स्टॉक्स माना जाता है, मतलब हमारा उतना चीप वैल्यूएशन पे हमें वो स्टॉक्स मिलता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं 2.2 का है,
फेस वैल्यू 5 का है, डिलीवरी 83 देख सकते हैं, 83.55% का डिलीवरी है इस स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छे फेयर वैल्यू पर अगर ये स्टॉक्स मिलता है। तो ये पहला स्टॉक था रिलायंस ग्रुप का, जो कि रिलायंस ग्रुप के बाद दूसरा सबसे बेस्ट स्टॉक है रिलायंस ग्रुप का, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। उसमें आपको रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, ये सारी कंपनियां एक साथ जो है वो रिलायंस को बनाता है। रिलायंस मतलब स्टॉक जो है उसमें जो प्रॉफिट होता है रिलायंस का, रिलायंस जियो का, रिलायंस रिटेल का, रिलायंस रिफाइनरी, ये सब का होता है। और वहीं यह नेटवर्क 18 ये पेरेंट कंपनी बनने वाली है आगे, जो है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, डेन नेटवर्क, हाथवे केबल, ये सब का पेरेंट कंपनी बनने वाला है नेटवर्क 18। उसके बाद दूसरा जो हमारा रिलायंस ग्रुप का जो पैनी शेयर है या कहें छोटे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं वो है आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री को जस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे रिलायंस एक्वायर हुआ किया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये हमारा जस्ट जो है रिलिस्ट हुआ है फरवरी को, देख सकते हैं 19 फरवरी को ये रिलिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में, जब से रिलायंस इसको टेक ओवर किया है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये कंपनी अब बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गई, कंपनी जो है अब बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गई क्योंकि नया लिस्टिंग हो गया इसका, रिलायंस इसे टेक ओवर कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं जब ये रिलिस्ट हुआ था 17 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से ये 3.95 रुपीज़ का लो बनाया, वहाँ से फिर से इसमें अपर सर्किट देखने मिला लगातार, और अभी आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स 11 रुपीज़ पे आ चुका है, अभी 11 रुपीज़ का ये स्टॉक हो चुका है फिर से। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका पी देखिए मात्र 0.27 का है, मात्र पी जो है 0.27 का है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है। ये फिर से रिलिस्ट हुआ है, ये याद रखे है, ये रिलायंस ग्रुप का अब शेयर हो चुका है, रिलायंस ग्रुप और जेएम फाइनेंस दोनों मिलकर के इसे टेक ओवर कर लिया है, और इस ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री हो चुकी है अब। उसके बाद तीसरा शेयर जो है आपको वो है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं, ये भी स्टॉक्स कभी 200 से एवर प्राइस का हुआ करता था, अभी आपको ये स्टॉक्स मात्र 21.70 रुपये पे मिल रहा है। और वही वन ईयर का चार्ट दिखाते हैं आपको, तो देख सकते हैं वन ईयर में यहाँ पर लो बनाया था अपना 11 रुपीज़ 90 पैसा का, और यहाँ पर हाई देखिए 30 रुपीज़ 85 पैसा का है, और अभी ये आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक्स मिल रहा है। तो जैसे और करेक्शन आता है तो आप इसमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP मोड में इन्वेस्ट करें, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाएं, फिर करेक्शन आता है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाएं। और ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। जैसे आपने आलोक इंडस्ट्री में देखा, अगर कोई 4 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया होगा तभी उसे 3 से 4 times रिटर्न मिल चुका है, 3 से 4 times रिटर्न, मतलब 300-400% का रिटर्न मिल चुका है। तो उसी तरह से टीवी 18 ब्रॉडकास्ट आपको जैसे लो प्राइस पर मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन होने दें। उसके बाद हमारा जो है इसका बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ये जो हमारा स्टॉक्स है इसका फाइनेंशियल देख सकते हैं, वैल्यूएशन देख सकते हैं। तो ऐसे रिलायंस ग्रुप का ये शेयर है, तो इसलिए ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने से, अगर अच्छे प्राइस पर आपको जब भी मिलते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं इसका देखिए टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का आप यहाँ से देख सकते हैं जो नेट सेल्स है 1,424 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर के तुलना में फ्लैट रहा है, मतलब कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट देखिएगा तो ये भी डिक्रीज हुआ है, मतलब एक तरह से फ्लैट रहा है, लेकिन उससे पहले देखिए नेट प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ करता था, देख सकते हैं जब से रिलायंस इसको टेक ओवर किया बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इसमें इंक्रीज हुआ है। वही हमारा देखिए कि पिछले क्वार्टर के तो मतलब पिछले ईयर के बेसिस में जो नेट सेल्स है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, देखते हैं 1,181 करोड़। तब लगातार कंपनियों जो है सारी के सारी कंपनियां अब जो है रिलायंस ग्रुप का वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में जो रिलायंस का ब्रांड है, जो मुकेश अंबानी का नेम है, उसका भी फ़ायदा मिलता है हर किसी ब्रांड को। तो ये एक ब्रांड वैल्यू भी आपको देता है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है पैनी स्टॉक्स हैं, लेकिन इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो है मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का। तो ये सारा स्टॉक्स जो है, जो टीवी 18 है, और जो अगला स्टॉक्स ये हमारा डेन नेटवर्क है, और जो अगला है और आएगा हाथवे केबल्स, ये सारी जो है सब्सिडियरी बनने वाली है नेटवर्क 18 का,
मतलब उसके साथ मर्ज होने वाली है ये सारी स्टॉक्स। उसके बाद देखते हैं ये जो हमारा नेटवर्क 18 है, ये अभी आपको 53.45 रुपीज़ पर मिल रहा है। ये भी स्टॉक्स कभी 200 से एवर प्राइस का हुआ करता था। और देख सकते हैं सारे स्टॉक्स जो है ये अब टेक ओवर कर लिया गया है रिलायंस ग्रुप के द्वारा। और अभी देख सकते हैं 97 रुपीज़ का हाई बनाया है अपने इस साल का। जो 1 ईयर का चार्ट देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं जब खबर आया था कि रिलायंस इसे टेक ओवर करेगा उस समय ये अपना देख सकते हैं बहुत ही हाई प्राइस पर जा चुका था। फिर से इसमें तेज गिरावट आती है, फिर से यहाँ पर देख सकते हैं मार्च में सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने मिला। उस समय ये अपना लो बनाया 28 रुपीज़ का, फिर से मतलब 25 रुपीज़ 50 पैसे तक का लो बनाया। फिर से ये आप देख सकते हैं इसमें लगातार अपर सर्किट लगते हुए ये स्टॉक्स अभी 50 रुपीज़ से अबव आ चुका है। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके सारे फंडामेंटल अभी देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सारे अब रिलायंस ग्रुप का स्टॉक हो चुका है। लगातार इसके फंडामेंटल में सुधार होते जाएगा और ये स्टॉक्स अच्छा कर सकता है क्योंकि इसके सारे की पेरेंट कंपनी जो बनने वाली है वो है नेटवर्क 18। उसके बाद जो हमारा पाँचवा स्टॉक है जो कि रिलायंस ग्रुप का एक पैनिशेयर कहा जाए वो है हाथवे केबल्स एंड डाटाकॉम लिमिटेड। ये स्टॉक्स अभी करेंट मार्केट प्राइस देखते हैं 24 रुपीज़ 20 पैसा का ये स्टॉक्स है। और एक साल का इसका चार्ट देखिएगा तो कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं सारे में जब न्यूज़ आया था कि इसे रिलायंस टेक ओवर करेगा सारे स्टॉक्स में बहुत ही तेज मोमेंटम देखने मिला था। फिर से इसमें गिरावट आती है, देखते हैं ये मार्च में बहुत ही लो बनाती है अपना ये स्टॉक्स लो बनाता है 13.45 रुपीज़ का। ऐसे तो यहाँ पर देखिएगा 52 वीक लो जो है 10.50 रुपीज़ तक का ये बना चुका है। और फिर से इसमें लगातार अपर सर्किट देखने मिला है आपको देख सकते हैं। और अभी ये स्टॉक आपको यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, जैसे इसमें करेक्शन आता है करेक्शन वाले बाज़ार में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक्स थे जो रिलायंस ग्रुप के जो है पैनिशेयर्स हैं जो कि आगे चल के आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि इसके फंडामेंटल्स लगातार सुधर रहे हैं। आपको हमने कई दिखाया टीवी 18 पुरस्कार नेटवर्क 18 सारी कंपनियां ये सब लॉस मेकिंग कंपनियां थी और अभी सारी कंपनियों प्रॉफिट मेक कर रही है। तो ये सारे स्टॉक्स जो कि प्रॉफिट मेक करें ये धीरे धीरे पेनी स्टॉक्स नहीं रहेंगे, ये धीरे धीरे अच्छे परफॉर्म करेंगे। और इसके जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सारे स्टॉक्स आपको जो है मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो आप अपना इसमें रिसर्च करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेंगे तब जा करके इन्वेस्ट करेंगे। और सारे रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें और जब भी इन्वेस्ट करें तो SIP मोड में इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब इसी तरह के इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा सकें।